और आइए बात करते हैं गुजरात की, जहां के कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कुछ इलाकों में तो लोगों का कहीं आना जाना बेहद मुश्किल हो चला है। लेकिन आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, यह गुजरात के लोगों से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। आपदा के बीच गुजरात के वडोदरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थी, उस पानी के बीच कुछ लोग गरबा खेलते दिखाई दिए। एक तरफ जहां कुछ लोग बाढ़ की वजह से अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए, वहीं दूसरी तरफ बारिश के बाद शहर में आए बाढ़ के पानी के बीच लोगों ने अपने घर के बाहर आकर गरबा किया। सामने आए इस वीडियो में सड़क पर घुटने तक भरे पानी में लोग गरबा खेलते दिखाई दिए। बैकग्राउंड में स्पीकर पर संगीत बज रहा था, जबकि कुछ लोग संगीत की ताल पर झूम रहे थे। यूपी के वाराणसी में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। बड़ा लालपुर के दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित ये कार्यशाला 3 सत्रों में चलेगी, जिसके लिए सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे वाराणसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे और बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यशाला के सत्र में हिस्सा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान के धौलपुर में जलभराव की समस्या से काफी परेशान हैं लोग और उन्होंने शहर में विधायक काशोभ रानी कुशवाहा के लापता होने के पोस्टर्स लगा दिए हैं। दरअसल धौलपुर की सेपियो और बाड़ी रोड पर ये जो कॉलोनीज बनी हुई हैं, उनके लोग कई दिनों से जल जमाव की समस्या से काफी परेशान हैं। आक्रोशित लोगों ने अपनी समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने इलाके में धौलपुर की विधायक शोभा रानी कुशवाहा के लापता होने के पोस्टर्स लगा दिए। स्थानीय लोगों का ऐसा आरोप है कि पानी की निकासी को लेकर उन्होंने कई बार विधायक से मिलने का वक्त भी मांगा, मुलाकात लेकिन नहीं हो पाई। लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए धौलपुर विधायक को वोट दिया था, लेकिन धौलपुर विधायक जीतने के बाद से ही लापता हो गई है।